9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मंगलवार से प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ में बड़ा हादसा हो गया है। सोमवार सुबह यहाँ स्थित दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि अचानक ही दर्जन भर टेंट में फैल गई। आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वही सूत्रों की माने तो सिलेंडर में ब्लास्ट के कारण ये आग लगी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रयागराज कुंभ में पहला शाही स्नान होना है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। वहां मौजूदा कुछ लोगों ने बताया कि अचानक ही दिगंबर अखाड़े में एक टेंट में आग लगी थी, जिसके बाद साथ वाले टेंटों में भी आग फैल गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की घोषणा के बाद आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मायावती से रविवार देर रात मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी यादव ने सोमवार को अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। वहीं दोनों नेताओं से तेजस्वी की मुलाकात महज औपचारिक नहीं, बल्कि इसके पीछे तीनों राजनीतिक दलों का सियासी मकसद भी छिपा हुआ है। सपा बसपा गठबंधन के जरिए आरजेडी यूपी में एंट्री करना चाहती है, तो वहीं अखिलेश और मायावती की निगाहें भी बिहार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बलांगीर जिले के निर्धारित यात्रा से दो दिन पहले अस्थायी हेलीपैड तैयार करने के लिए पेड़ों को काटने की वजह से रविवार को विवाद पैदा हो गया। वहीं बलांगीर के संभागीय वन अधिकारी समीर सत्यापति ने कहा कि पूर्व अनुमति के लिए बिना अस्थायी हेलीपैड तैयार करने के लिए जिले में रेलवे स्टेशन ग्राउंड के निकट कई पेड़ काटे गए हैं। इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि जो लोग प्रधानमंत्री की यात्रा से डरे हुए हैं, वे वन अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठा अभियान चला रहे हैं। गौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान का नाता वैसे तो उड़ीसा से है, लेकिन इस समय वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। 10 प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को निजी कंप्यूटरों की जांच का अधिकार देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर सीबीआई, आईबी और ईडी जैसी 10 एजेंसियों को कंप्यूटर्स की जांच का अधिकार दिया था। इसमें यह भी कहा गया था कि प्रमुख एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर से जनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव हुए और उसमें स्टोर किए गए किसी भी डाटा को देख सकेगी। ईरान की राजधानी तहरीन में सोमवार को एक बोइंग विमान क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कराज एयरपोर्ट पर खराब मौसम के बीच लैंडिंग के दौरान पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया। इसमें कम से कम 10 लोग सवार थे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें रनवे से धुआं उठता देखा जा सकता है। मुंबई में भाजपा नेताओं के साथ कांग्रेस नेता और कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर सरकार गिराने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक मुंबई के एक होटल में भाजपा के कुछ नेताओं के साथ ठहरे हुए हैं। उधर मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा है कि मुझे बताकर गए हैं, वहीं चिंता की कोई बात नहीं। बच्चों के लिए नई भाषा सीखना कोई आसान काम नहीं है, खासतौर पर जब वो मातृभाषा से अलग हो तो परेशानी का गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी दिक्कत को सुलझाने के लिए बिहार का एक टीचर बच्चों को गाना गाकर अंग्रेजी पढ़ा रहा है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें बच्चों को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में फर्क समझाते देखा जा सकता है। कुमार विश्वास ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को सबसे पहले कवि कुमार विश्वास ने शेयर किया। वहीं विश्वास ने इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर को टैग किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार रात को लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती से उनके निवास पर मुलाकात की, उनके पांव छुए और उत्तर प्रदेश में हुए सपा बसपा गठबंधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन हो। उत्तर प्रदेश में शनिवार को सपा और बसपा ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों दल राज्य में 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले तब्बर हुसैन राणा को भारत लाया जा सकता है। वो अभी अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। हालांकि न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले का दावा करते हुए कहा है कि उसे सजा पूरी होने से पहले ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है। मुंबई हमलों में 167 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। हमले के आरोप में अमेरिका ने राणा को 2009 में गिरफ्तार किया था। उसे 2013 में जेल की सजा सुनाई गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।